बनाएंगे। इसमें कितनी चीजें है? अब इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में तीन तीन है। अब होमोफोन और होमोनेम में फर्क कैसे करेंगे? ठीक है, इसमें साउंड क्या था? इसमें भी साउंड क्या है? इसमें स्पेलिंग क्या है? इसमें स्पेलिंग है एक जैसे। ठीक है, इसमें आवाज भी एक जैसी है और स्पेलिंग भी एक जैसे है। इसमें मीनिंग क्या है? मुख्तलिफ। इसमें मीनिंग भी मुख्तलिफ है। ठीक है, फर्क क्या है? इसमें सिर्फ आवाज एक जैसी है। इसमें क्या, आवाज भी एक जैसी है और स्पेलिंग भी एक जैसे है। जैसे देखो, होमोनेम और वर्ड्स जैसे ये देखें, क्या लफ्ज है? टाइम टाइम। क्या लफ्ज है? टाइम। चलो ये देखें, क्या लफ्ज है? टाइम। ये भी क्या है? टाइम। दोनों की आवाज एक जैसी है। टाइम। हमारी एक कंडीशन पूरी होगी। दूसरा क्या था? स्पेलिंग एक जैसी हो। देखो इनकी स्पेलिंग, ये भी टी आई टाई, ये भी टी आई टाई, दोनों क्या स्पेलिंग एक जैसे हो गए। अब एक चीज रह गई मीनिंग्स, वो क्या है? वो क्या होना चाहिए? मुख्तलिफ होने चाहिए। अब टाई का क्या मतलब होता है? टाई एक जो टाई है हमारा लगाते हैं, ठीक है। दूसरा टाई है, हाँ जी बताओ, शाबाश बताओ। जी बिल्कुल शाबाश। दूसरा, हाँ जी जा शाबाश। जैसे क्रिकेट का मैच होता है ना, टाई हो गया, कोई फैसला नहीं हो, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, आई समझ? दोनों की क्या आवाज एक जैसी है, स्पेलिंग भी एक जैसी है, सिर्फ क्या मुख्तलिफ है? शाबाश। इसमें क्या था कि आवाज एक जैसी है, स्पेलिंग भी मुख्तलिफ है और मीनिंग भी मुख्तलिफ है। इसमें क्या है, आवाज भी एक जैसी, स्पेलिंग भी एक जैसे, ठीक है, और फिर क्या मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ है। शाबाश। ऐसे लफ्ज का हम क्या कहेंगे? शाबाश। और इस तरह के लफ्जों को क्या कहेंगे? स्पेलिंग एक जैसी होगी। दूसरा हमें क्या देखना? स्पेलिंग देखो एक जैसे, हमें रह गए इनके मीनिंग्स। मतलब इस टाइप में होता है टाई, शाबाश। ठीक है, ना समझ आ गया? शाबाश। ये भी क्या है? दोनों की आवाज एक जैसी है। क्या आवाज आ रही है? शाबाश। और इसकी स्पेलिंग देखिए, हम दूसरी से क्या देख रही है? स्पेलिंग। इसके स्पेलिंग दोनों को देखिए, एक जैसे है, मुख्तलिफ है। शाबाश। क्या है? एक जैसे।
हमने देखना है मीनिंग्स मतलब। एक पार्क होता है पार्क, जिस पार्क हम खेलने जाते हैं भाई, पार्क में खेलने की जगह होती है। हां जी एक पार्क वो होता है, दूसरा खेलने की जगह पार्क। हां जी शाह भाई दूसरा पार्क क्या होता है? गाड़ी पार्क करने का मतलब गाड़ी पार्क करो, ठीक पार्क करना गाड़ी पार्क करना। हां जी समझ आई? एक पार्क क्या होता है? पार्क जहां हम सैर वगैरह करने जाते हैं, खेलने जाते हैं। दूसरा पार्क क्या होता है? गाड़ी पार्क। शाबाश हम गाड़ी खड़ी करते हैं या बेबी के लफ्ज है शाबाश। इनकी आवाज क्या है? एक जैसी। अब इनके स्पेलिंग देखें, एक जैसे एक जैसे हैं। हां जी इनकी पूरी होगी ना आवाज भी और स्पेलिंग भी क्या हो गए? एक जैसे। क्या है का मीनिंग सर? मीनिंग देखते हैं इनकी मीनिंग एक जैसे है मुख्तलिफ है। एक सिंह का मतलब होता है डूबना, डूबना डूबना जैसे जहाज डूब जाए जब पानी में कोई चीज डूब जाती है, ठीक है हम कोई पत्थर वगैरह फेंके पानी में तो भी डूब जाता है, ठीक है उसको भी कहते हैं सिंक, है ना डूब जाना। तो दूसरा सिंक होता है बेसन, बेसन जैसे किचन में लोग बेसन लगे बर्तन धोने के लिए या हम हाथ धोते हैं जिन पे, ठीक है एक वो होता है सिंक बेसन। देख समझ आई है? इसमें देखें बाज क्या है? एक जैसे है। स्पेलिंग क्या है? एक जैसे। लेकिन मैंने इनके क्या है? ये हमारे लफ्ज क्या होंगे? शाबाश क्या